स्क्रीन विजिबल है? यस बोलो। सर। चलो ठीक है, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल दो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं ना, यस सर। लेक्चर 3। कहाँ तक कल किए थे बताओ तो? ये शायद सारे हम लोग मतलब सारे साइंटिस्ट का मतलब जितना डिफरेंट टाइप्स का पीरियोडिक टेबल पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद ये बता दिए थे क्या? ग्रुप ब्लॉक और पीरियड निकालने कैसे करना है। यस सर, वहीं तक पहुंच। चलो, वो अगर हो चुका है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, ये एफ ब्लॉक के बारे में बताए थे। एफ ब्लॉक बेसिकली कौन से ग्रुप में लाई करता है? ग्रुप नंबर 3 में। और एफ ब्लॉक को देखोगे वो लास्ट में दो ग्रुप्स दो रोज दिखाई दिए पीरियोडिक टेबल में तुम लोग को। एक लैंथेनॉइड सीरीज होता है, एक एक्टिनॉइड सीरीज होता है, दिख रहा है? उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तुम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ये कौन से ग्रुप में लाई करता है सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? थर्ड ग्रुप। ग्रुप नंबर 3 में, ठीक है। थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं। एफ ब्लॉक को देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसको देखोगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये दो सीरीज में रहते हैं, एक होता है लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा होता है एक्टिनाइड सीरीज। ये दो सीरीज हैं। ये लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए लैंथेनाइड सीरीज हो गया। और एक्टिनाइड सीरीज मतलब क्या हुआ? एक्टिनम से स्टार्ट होता है। ये लैंथेनाइड सीरीज का देखोगे ये कहाँ से है, ये 57 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? 71 तक, ठीक है। ये लैंथेनाइड, ये एटॉमिक नंबर लिख रहा है, 57 से स्टार्ट होगा 71 तक, ये हमारा लैंथेनाइड सीरीज में आ गया। बहुत जगह लैंथेनॉइड भी लिखा रहता है, ठीक है, तो वो सेम चीज है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखोगे इस तरह से लैंथेनॉइड लिखा हुआ है और ये एक्टिनॉइड भी लिखा हुआ है, एन ये इस तरह से, ठीक है। तो मतलब सेम है, लैंथेनॉइड सीरीज 57 से 71, लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, और एक्टिनॉइड सीरीज एक्टिनम से स्टार्ट होगा, ये 89 से लेके कहाँ तक जाएगा देखोगे? एटॉमिक नंबर कहाँ तक है? 103 तक है ना शायद, चेक करो तो। यस दिख गया? यस चलो, तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक एलिमेंट को। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक का ग्रुप निकालने तो बता दिए थे, कैसे ग्रुप निकालते हैं हम लोग। सर। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद इसमें कुछ कुछ टर्म्स सुनोगे, डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स आएंगे। जैसे एक सुनोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स सुने हो? किसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? जनरली ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? जनरली मेन ग्रुप वाले को। जो नॉर्मल एलिमेंट्स तुम लोग को बताए थे ना, नॉर्मल एलिमेंट्स याद है जो मेंडली पीरियोडिक टेबल कर रहे थे हम लोग, ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें देखोगे एक दो और टर्म है, जैसे तुम लोग बुकलेट में देखोगे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट दिखेगा, ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, देखे हो बुकलेट में तुम लोग को ये सारा टर्म मिल जाएगा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं? ये यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको ट्रांस यूरेनिक बोला जाता है, ठीक है, या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है केमिकल एलिमेंट्स,
विथ यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है देखो पीरियोडिक टेबल में, यूरेनियम यू से होगा 92 है ना? यस सर। ठीक है, तो केमिकल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92, ठीक है, इसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोला जाता है, मतलब यूरेनियम के बाद जो लाई कर रहे हैं ग्रेटर देन 92 हो गया ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स अब दिखेंगे तुम लोग को, एक टिपिकल एलिमेंट्स भी दिखेगा तुमको, देखोगे बुकलेट में टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है जनरली थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को, ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। टिपिकल एलिमेंट बोलने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जनरली जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है ना वो क्या करेंगे, अपने पूरे ग्रुप का प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके प्रॉपर्टीज से पूरे ग्रुप का प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप, ठीक है, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग, इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है क्योंकि वो पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कुछ तुम लोगों को टर्म्स मिल जाएगा एलिमेंट्स से रिलेटेड, तो ये सब ध्यान रखना, अगर कहीं पूछा जाए तो बता सकते हो आसानी से। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर, ओके, चलो यहां तक लिख चुके हो ना? नेक्स्ट देखो, हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा देते हैं सारे ब्लॉक का, चार ब्लॉक हम लोग देखे थे, एस पी डी और एफ, तो उन चारों ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो एक सिमिलर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ठीक है जो सबके लिए वैलिड हो एक तरह से, हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट के लिए वैलिड है। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखोगे ये क्या ऐसा है, एन एस वन या टू, कुछ ऐसे ही टाइप का आएगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बताओ एस ब्लॉक एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबसेल में जाएगा और एस सबसेल में इधर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यही होगा ना एस ब्लॉक के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? ये ऑलरेडी लिख के बता चुके थे तुम लोगों को लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ना, इसी तरह बताओ पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसा आएगा, तो पी ब्लॉक का देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है, ये एन एस टू रहेगा और एन पी वन से सिक्स तक, एन एन एस एस में तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और आउटर मोस्ट के पी ऑर्बिटल में देखोगे एक से छह इलेक्ट्रॉन तक ये वैरी करेगा क्योंकि पी में मैक्सिमम छह तक जा सकता है, तो वन से सिक्स तक, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह अगर हम लोग डी ब्लॉक का रिप्रेजेंट करना चाहें तो डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का आएगा, ये देखोगे एन माइनस वन डी वन से लेके टेन, ठीक है, और एन एस वन से लेके टू, ठीक है, ये डी ब्लॉक का है। जैसे हम डी ब्लॉक का कुछ कुछ एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, जैसे मान लो कॉपर है तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कैसा आता, आउटर मोस्ट सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर वाला, तो ये देखोगे कुछ इस टाइप का आता है, फोर एस कॉपर के केस में ये 29 है ना कॉपर का Cu 29, तो सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कैसा आता है 4s1 3d10, है ना, तो ये n जो है ये सबसे आउटर मोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटर मोस्ट में देखो एक या दो इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके सेकंड लास्ट में जो सेकंड लास्ट सेल होगा उसके d सबसेल में देखोगे
एक से दस इलेक्ट्रॉन तक वैरी करेगा। इस केस में दस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाकी जैसे मान लो क्रोमियम ले लेते हैं, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसा आएगा, ये 4s1 3d5, ठीक है। तो बस हम जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो, समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। चलो इसी तरह अगर एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, तो एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये देखोगे, कुछ किसी भी एफ ब्लॉक का लिख के देखना तुम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये कुछ इस टाइप का आएगा, n-2 f1 से लेके 14 तक, n-1 d 0 से 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, और आउटर मोस्ट में ns2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, किसी भी एक एफ ब्लॉक एलिमेंट का लिख के देखना, ये कुछ इस टाइप का रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ध्यान रखना जनरल कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का आता है, हर एक ब्लॉक में किस टाइप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो उसके ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये सिर्फ जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को ही शो कर रहे हैं, ठीक है, सारा टोटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, हाँ बोलो। सर एफ ब्लॉक में डी 0 से 1 तक, हाँ 0 से 1 मेनली रहता है इसमें, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, सर कोई एग्जांपल बता दीजिए ना एफ ब्लॉक, कोई एक एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तुम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट का। कोई भी एक एफ ब्लॉक ले लो तुम लोग, जैसे मान लो पहला एफ ब्लॉक है कौन सा, और एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारा एक्सेप्शंस भी आता है, वहां पे जो ये वाला रूल पढ़े होगे ना तुम लोग, स्टेबिलिटी वाला रूल पढ़े हो ना, हेलो स्टेबिलिटी वाला रूल, मतलब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं किससे, जो फुल्ली फिल्ड है, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारा एक्सेप्शन आता है। एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन जो है एग्जैक्टली जैसा हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हर केसेस में वैसा आएगा, ठीक है, जैसा हम लोग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे, जरूरी नहीं है हर केस में वही फॉलो हो, ठीक है, वहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे डी ब्लॉक में क्या है, एक दो जगह एक्सेप्शन आ रहा है ना, जैसे हम लोग 3D वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें देख रहे हैं क्रोमियम और कॉपर के केस में एक्सेप्शन आ रहा है, एफ ब्लॉक का जब लिखोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो लिख के देख सकते हो, जैसे मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन लिखो कोई भी एक एफ ब्लॉक का, जैसे पहला एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा, लैंथेनम, उसी का लिखो 57 है ना एटॉमिक नंबर। हेलो लैंथेनम है ना सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो है लैंथेनॉइड सीरीज का, एटॉमिक नंबर उसका 57 है, लिख के देखो क्या आ रहा है, ये एल ए है ना, दिख रहा है सबको, हेलो हेलो। यस सर। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लो एक बार, देखो आ रहा है या नहीं उस फॉर्मेट में, बोलते जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर बताओ तुम लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 57 है, ठीक है, बताना तुम लोग 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, इसके बाद क्या आएगा बोलो, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, उसके बाद 4p6, 5s2, 5s2, बोलते जाओ 4d10, 5s के बाद 4d10, ठीक है, उसके बाद 5s2, अब देखो इतना टाइम लगाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलने में तो कैसे होगा फिर, 5p6,
फाइव पे सिक्स, इसके बाद हेलो सर सिक्स एस टू, सिक्स एस टू देन हेलो सिक्स एस टू के बाद आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? यस सर आ रहा। तो सिक्स एस टू के बाद बताओ, तुम लोग ऑर्डर भूल गए हो, वो लिखाया गया होगा ना कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। सिक्स एस के बाद क्या होगा? सिक्स पी, कुछ भी तुम लोग बोल रहे हो। 4F1 यस सर, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अब। यस सर, यस सर, यस सर, एक ही बचा हुआ है। काउंट कर लो यहां तक, देखो ये आ गया 3D10 तक, ये हो गया 30 इलेक्ट्रॉन, 36, 38, 48, 54, 56, तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f, 4f बोल रहे हो? फोर एफ वन, वन ना, यस सर, फोर, फोर एफ वन, ठीक है। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये देखो, जैसे तुम लोग यहाँ पे जैसे कॉन्फ़िगरेशन को देखो, हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नोबल गैसेस के टर्म में, नोबल गैसेस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे सोडियम का लिखना है हमको कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको कैसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट में नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, नियॉन में 2p6 तक हो गया 3s1, ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ना नोबल गैस के टर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैंथेनम का ये जो है, लैंथेनम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है बताओ तो, लैंथेनम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? ज़ेनॉन, ज़ेनॉन है, तो ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन XE हो गया, ठीक है। XE में कहां तक आ जाएगा, शायद 5p6 तक आ जाएगा ना, 5s2 5p6, यस सर, 54 तक, हाँ 54 तक आ गया, तो इसको हम लोग फिफ्ट, हाँ 5p6 तक आएगा, मतलब 4d10 5p6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ना कुछ लैंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखो यहाँ पे बताए थे बहुत सारा एक्सेप्शन है, इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है ये ज़ेनॉन के बाद 5d1 और 6s2, ये कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो डी वाले में यहाँ देखो, यहाँ 5d वाले में क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, है यहाँ पे देखो, अगर इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करोगे तो इसमें देखो ये 6s वाले में तो दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा दिख रहा है, 5d वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? 5 वाला d आया है यहाँ अभी तक? फिर वो 5p है, ये 5p नहीं बोल रहे हैं, 5d आया है क्या? अरे n-1d है ना, तो n क्या हुआ, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, आउटर मोस्ट सेल तो ये 6th वाला हो गया, तो 6s में तो दो इलेक्ट्रॉन आ ही गया, n-1 मतलब सेकंड लास्ट सेल कौन सा है, 5, तो 5 के डी में देखना है, तो 5 के डी में एक भी इलेक्ट्रॉन है इसमें लैंथेनम में? नो सर, नो सर। तो यहाँ पे देखो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं यहाँ पे अभी एक भी नहीं दिख रहा है, उसके बाद 4F1 मतलब n-2 करोगे तो n-2 में देखोगे ये कैसा आ रहा है, n-2 हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th सेल हो जाएगा, तो 4th सेल के F में देखो, F में 1 से 14 तक वैरी कर सकता है,
तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था हमारा, तो ये वन हो गया। ठीक है, अब यही जो है ना, इसका 5d वाला जो है ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, 5d वाला ऑर्बिटल जो है वैकेंट है, हमको पता है यहाँ पे, क्योंकि फिफ्थ सेल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पे। 5 के s में इलेक्ट्रॉन है, p में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये 4 के f का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या हो जाता है, जंप करके चला जाता है 5 के d में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे। तो एक्चुअल में ये आना चाहिए था, बट एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है ना, ये इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो तुमको इसलिए एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कहीं लिखने तुमको ऐसे सच नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं। ठीक है, और वो एक्सेप्शन हम लोग ऐसे बता नहीं सकते, सारा एक्सेप्शन एक्सप्लेन नहीं हो सकता है वहां पे। ठीक है, जैसे सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, जो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर क्या है, सीई जो एलिमेंट है, इसके बाद देखोगे ये 58 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ये कुछ xc आ रहा है, यहाँ पे 4f1 आता है, ये 5d1 है और 6s2। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न उस तरह का हंस रूल पूरा फिक्स्ड पैटर्न वहां पे नहीं है कोई, बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे मतलब एक्सेप्शन आएंगे। डी ब्लॉक में तो एक दो जगह एक्सेप्शन आ रहा था ना बस, एफ ब्लॉक में बहुत जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली ये 1 से 14 की जगह तुम लोग 0 से 14 कर लो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, है ना, एफ ब्लॉक वाले में 0 से 14। क्योंकि इस केस में देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन एफ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में चला गया, डी में चला गया ना, 5 के d में गया, यानी एक्चुअल जो लैंथेनम का कॉन्फिग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला है। तो 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया 5d में, तब 4 के f में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, ये बताओ, लैंथेनम में 4 के f में कोई इलेक्ट्रॉन बचा, अब बोलो, नो सर। तो f में क्या हो गया, 0 आ गया ना। तो इस तरह से यहाँ पे n-2f 0 से 14 कर लेना, ठीक है, और ये n-1d 0 से 1 और ns2। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, अब कहीं पे ये लिखने तुमको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिकली जब ये सारा एक्सेप्शन एक दो बताया जाएगा, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम लोग को बताया जाएगा ना, तो वहां पे सेपरेटली जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे एक दो एक्सप्लेनेशन किया जाता है कैसे ये हो रहा है, सारे को याद नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक दो जगह जो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट में पूरा उसको अलग से बताया जाएगा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सारा को याद नहीं कर सकते हम लोग, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने भी कहीं नहीं पूछा जाएगा जनरली, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे मेनली जो अपने सिलेबस में हम लोग तुम लोग पढ़े भी हो गए, वहां पे जनरली डी ब्लॉक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन जो भी डिस्कस किया हो गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो किसका, डी ब्लॉक वाले का ही किया गया है ना एक्सेप्शन, यस और नो? Yes, स्टेबिलिटी के बेसिस पे डी ब्लॉक वाले का ही एक्सेप्शन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सेप्शन एक दो जगह ही आया है, कॉपर और क्रोमियम, जैसे 3D सीरीज वाले में कॉपर और क्रोमियम में है। ठीक है, एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, तो इसलिए उसको एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना, बस जनरल कॉन्फिग्रेशन ध्यान रखो, जनरल कॉन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये नोट कर लिए, हेलो, हिमांशु, यस सर, लिख लिए, यस सर, चलो। तो ये हो गया हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। अब इसके बाद देखो, इसमें एक
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर, अब आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा था क्या? नो सर। कब से गायब हो गया था? कुछ भी नहीं सुने सर। ये IUPAC जब से लिखना स्टार्ट किया तब से नहीं आ रहा था। अच्छा, एक मिनट रुकना। तो अच्छा, शालिनी होस्ट शिफ्ट करो। तो शालिनी, यस सर, होस्ट शिफ्ट कर दो, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा सर। एंड करना है? एंड नहीं करना है, होस्ट ट्रांसफर करो ना मेरे को, स्मार्ट प्रेप एकेडमी को होस्ट बना दो। ओके सर। चलो ठीक है। आप दिख रहा है स्क्रीन? देखो। यस सर। ओके। हाँ तो ये बताओ, IUPAC का फुल फॉर्म कोई बता सकते हो? यस और नो? सर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, तो जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड रूल्स बनते हैं ये सारा IUPAC बनाता है। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि कॉमन रूल्स सब सारे कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। तो इंटरनेशनल यूनियन बोल सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 100 से जो ग्रेटर है ना, जिसके एटॉमिक नंबर, उसके लिए एक रूल बनाया है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होता है। बहुत ही सिंपल सा है, उसमें जैसे मान लो 0 के लिए यूज करेंगे, इसमें कुछ कुछ सफिक्स यूज किए जाते हैं। जैसे 0 के लिए nil यूज करते हैं हम लोग। 1 अगर रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? UN यूज किया जाता है। 2 के लिए by यूज किया जाता है। 3 के लिए try। 4 के लिए बताओ? quad। ठीक है, 4 के लिए quad यूज किया जाता है। 5 के लिए pent। 6 के लिए hex। 7 के लिए यूज किया जाता है hept। ये सब तुम लोग पढ़ रखे होगे। 8 के लिए oct। और 9 के लिए यूज के लिए सेप्ट होता है ना? नहीं, हेप्ट। ठीक है, 9 के लिए एन यूज करते हैं, EN। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ प्रेफिक्सेस हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये देखना, जैसे बहुत ही सिंपल सा चीज है हम लोग को, अगर जैसे मान लो ये 100 से ग्रेटर वाले के लिए है ना, तो जैसे 101 का नोमेनक्लेचर करना है, 101 का IUPAC नेम इसका अगर लिखना है, तो ये देखो 101 है। तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? पहला जो लेटर होगा जिससे स्टार्ट होगा उसको कैपिटल रखना है। तो 1 के लिए हम लोग अन यूज करते हैं, UN। तो U कैपिटल होगा, उसके बाद सारे स्मॉल, तो UN हो गया। उसके बाद देखो 0 है, तो 0 के लिए क्या यूज करोगे?
नील। तो इसके बाद देखो एन आई एल जीरो के लिए नील लिख दिए, फिर उसके बाद वन है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, यू एन, ठीक है, यू एन लिख दिए। और लास्ट में जब सबके लिए लिख देंगे हम लोग तो लास्ट में आई यू एम लगा देना है हमको, लास्ट में क्या करना है, आई यू एम ऐड कर देना है। तो यही इसका आई यू पी एस सी नेम हो गया, अनिल अनियम, ठीक है। और अगर इसका सिंबल पूछा जाए तो सिंबल में सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लेना है तुमको, जैसे वन है तो वन का फर्स्ट लेटर क्या है, यू, तो यू आ गया, पहला कैपिटल लिखना है। उसके बाद जीरो है, जीरो के लिए निल यूज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, एन, तो यू एन आ गया। फिर वन है तो इसका यू एन यू, तो इसका सिंबल हो गया यू एन यू। तो ये 101 का आई यू पी एस सी के अकॉर्डिंग ये नेम हो गया, एटॉमिक नंबर 101 का। ये एक्चुअल में ये एलिमेंट कौन सा है, मेंडेलेवियम, तुम लोग को बताया है ना, ये एलिमेंट कौन सा है, 101 मेंडेलेवियम है। इसका सिंबल देखोगे ये एम डी, देखे हो पीरियोडिक टेबल, ये बताए थे लास्ट क्लास में, मेंडेलीव के ऑनर में ये रखा गया है, बताए थे ना। यस सर। चलो तो ये है, इसमें फटाफट तुम लोग बताओ तो 102 का क्या आएगा, बताओ, सिंपल सा है, 102 का बोलो जल्दी। यू एन नील बी आई आई यू एन, हाँ, यू एन एन आई एल, फिर टू के लिए बाय, फिर आई यू एम। तो यहाँ पे देखो बी आई आई आ गया है ऑलरेडी, तो इसमें प्लस आई यू एम, दो बार आई नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग आई यू एम, जैसे देखो इस तरह से आता ना, बाई के बाद अगर प्लस आई यू एम करते तो दो बार आई आ जाता, तो इसमें दो बार आई नहीं लिखना है, बी आई यू एम सिंपली लिख दोगे। इसी तरह जैसे मान लो ट्राई है उसके बाद आई यू एम अगर आएगा तो यहाँ पे दो बार आई नहीं यूज करना है तुमको, टी आर आई यू एम ट्राई एम सिर्फ लिख देना है, समझ रहे हो बात, तो ये ध्यान रखना दो बार आई यूज नहीं करना है। तब इसका सिंबल क्या हो जाएगा बताओ, यू एन बी, यही हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत। 103 का बताओ, अनिल ट्रायम, अनिल और ट्रायम कर लोगे, सिंबल बताओ जल्दी से, यू एन टी, चलो ठीक है, तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लो चलो 110 का बताओ, सर अन 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 सनील, हाँ एन आई एल आई यू एम, यही हो गया ना, सिंबल बताओ, यू यू एन, यही हो गया सर। सर यहाँ पे दो बार एन रिपीट हो सकता है, अनिल, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल है ना, कर लोगे, 100 से ग्रेटर जितने भी एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कर लोगे ना, यस और नो बताओ। यस सर। चलो 115 का एक लास्ट बता दो, 115 का क्या हो जाएगा सर, अन अन पेंटियम, अन अन और पेंटियम, सिंबल बताओ क्या होगा फटाफट, यू यू पी। यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट वाला सिंबल में भी जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल में लिखना है, उसके बाद सब स्मॉल, ठीक है, और आईयूपीएससी नेम में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद सारा स्मॉल, लास्ट में आई यू एम ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो यही है रूल बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा है। सर ये सिर्फ 18 एलिमेंट के लिए वैलिड है, हाँ मतलब 100 से ग्रेटर जो है ना उसके लिए ये रूल है, उसके लिए हम लोग ये रूल फॉलो करते हैं बस। चलो लिख लिया इसको, यस सर।
चलो तो यहाँ तक हमारा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग समझ गए, ठीक है, कैसे किसी भी एलिमेंट का हमको ब्लॉक ग्रुप और पीरियड प्रेडिक्ट करना है वो सब भी सीख गए हम लोग, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी बेसिक थे वो कवर हो चुका है, ठीक है। अब मेन जो पोर्शन है, मेन जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसका वेरिएशन हम लोग को एक एक करके पढ़ना है और उस वेरिएशन में क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं। तो तुम लोग को बताया ही था लास्ट क्लास में कि अगले क्लास से हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वेरिएशन स्टार्ट करने वाला है। तो सबसे पहला जो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज का वेरिएशन। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा प्रॉपर्टी है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस या फिर इसी को एटॉमिक साइज भी बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस पे क्या वेरिएशन आता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पे क्या वेरिएशन आता है, उसके बाद पीरियड में कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट में एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट में एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। मेनली क्वेश्चन में क्वेश्चन जो तुमको पूछा जाएगा वो जनरल वेरिएशन से नहीं पूछा जाएगा, जनरल ट्रेंड क्या है उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो तो सबको आता है, ठीक है। एक्सेप्शंस याद रखना है मेनली, और वो एक्सेप्शंस लॉजिकल है, उसका सबका हम लोग रीजन पढ़ेंगे क्यों एक्सेप्शंस आ रहा है, तो लॉजिकली एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो वेरिएशन हम लोग पढ़ेंगे वो एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज का। तो एटॉमिक साइज को अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एटॉमिक साइज को डिफाइन कैसे किया जाता है बता सकते हो कोई, या एटॉमिक रेडियस को? तो एक्चुअली किसी भी एटम का रेडियस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो डिस्टेंस किसके किसके बीच का मेजर किया जाता है, बताओ कहाँ से डिस्टेंस? न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। हाँ, न्यूक्लियस के सेंटर से स्टार्ट होता है और वो आउटर मोस्ट सेल, उसके बीच का डिस्टेंस को ही बोला जाता है रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल। अब ये एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, ये एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये एटम जो होता है वो हमको पता है कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है, अगर वो अपने ग्राउंड स्टेट में नेचुरल स्टेट में है तो नेचुरल स्टेट में वो न्यूट्रल होता है। तो एटॉमिक रेडियस को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो टाइप है इसमें देखोगे, फर्स्ट टाइप होता है कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड टाइप होता है मेटालिक रेडियस, और तीसरा जो रेडियस होता है ये होता है वैन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तीन टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। वैन डेर वाल तुम लोग नाम सुने हो अभी तक? यस सर। क्या है वैन डेर वाल, कहाँ सुने हो बताओ? वैन डेर वाल फोर्स। हाँ, वैन डेर वाल एक बेसिकली फोर्स होता है, ठीक है, तो वो फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, तो उसकी वजह से जो रेडियस बनता है ना उसको बोलते हैं वैन डेर वाल। तो ये बेसिकली देखो कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में तुम लोग सुने होगे, मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में सुने होगे, और वैन डेर वाल जो है वो फोर्स के बारे में सुन रखा हो। चलो, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से जो रेडियस आता है उसको कोवेलेंट रेडियस बोला जाता है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से जो रेडियस आता है उसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं, और वैन डेर वाल फोर्स की वजह से जो रेडियस आता है उसको वैन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ये तीनों रेडियस क्या है। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होगे कि कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बताओ तो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पढ़ रखे हो? यस सर। एटम्स जो होते हैं अगर आपस में म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग करके हम लोग दिखाते हैं, यस और नो?
ये तुम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट किए होगे क्लास 10th में, बनाए हो ना, याद है? यस सर। तो उसमें ऐसे ही ओवरलैपिंग करके दिखाते हैं ना, यस और नो बताओ? यस सर। तो अब ये देखो, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस क्या हुआ? तो ये जैसे मान लो पहले वाले एटम का सेंटर है, जैसे मान लो ये सेंटर है पहले वाले एटम का C1, और दूसरे वाले एटम का सेंटर हो गया C2। तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों का सेंटर जैसे ही ज्वाइन करो, और यहाँ पे रेडियस एक्चुअली हम लोग निकालना चाह रहे हैं ना, तो कोवेलेंट रेडियस ये क्या हो गया, जिसको कोवेलेंट रेडियस को हम लोग आर कोवेलेंट के नाम से कर देते हैं, चलो आर कोवेलेंट। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो, इन दोनों का सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस आएगा C1 C2, मतलब ये C1 C2 ये क्या है, इन दोनों का लेंथ है, इन दोनों के बीच का लेंथ, समझ रहे हो बात? इसका क्या कर देंगे हम लोग, हाफ कर देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। तो इसी को बोला जाता है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का जो लेंथ होगा, उन दोनों लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो लेंथ आता है उन दो एटम्स जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे, तो सेंटर ज्वाइन करने से वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का लेंथ मिल गया। और हमको रेडियस निकालना है ना, कोवेलेंट रेडियस क्या है, तो वो जो लेंथ आया उसका हाफ कर देना है, तो वही आ गया कोवेलेंट रेडियस। समझ रहे हो बात? ये क्लियर है कोवेलेंट रेडियस कैसे आ रहा है? सर एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल में क्या, जैसे मान लो H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, ये एक हाइड्रोजन का एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड ही तो बनाता है, दोनों के पास ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे, यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस क्या आएगा, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो और हाफ कर दो, तो आर कोवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों का जो भी सेंटर आएगा, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए बी के बीच का जो भी लेंथ आएगा, तो आर कोवेलेंट क्या आ गया, ये ए बी का लेंथ और डिवाइडेड बाय टू, हाफ कर देंगे सिंपली। ये हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, ये एक्सपेरिमेंटली आता है, ऐसा हम लोग थोड़ी ना बता सकते हैं किसी भी एटम का लेंथ कितना होता है, ये आता है, हम लोग को कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, ये एक्सपेरिमेंटल आता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है? तुमको नहीं पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का ये कोवेलेंट रेडियस कितना होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, समझ रहे हो बात? वो या वो डेटा पहले से है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डेटा है, वो तुमको याद नहीं रखना है, हमको बस कंपेयर करना है, वो कंपैरिजन हम लोग करेंगे, ठीक है? वैल्यूज भी याद, वैल्यूज का भी कोई मतलब नहीं, हम कंपेयर कर सकते हैं बस, ठीक है? तो वो कंपैरिजन कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आगे, ठीक है? ना तो कैलकुलेशन करना है, ना ही वैल्यू याद रखना है, बस ये देखो कि कैसे वो आता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? डिफाइन कैसे किया गया है कोवेलेंट रेडियस को, बात समझ में आ गया? यस सर। तो ये हो गया पहला जो रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस है। सेकंड रेडियस कौन सा देखे थे हम लोग, सेकंड टाइप मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होता है बताओ, तो मेटालिक रेडियस में मेटल के, ये मेटल के केस में हम लोग बात करेंगे, मेटालिक शीट में या मेटालिक सरफेस में, तो तुम लोग पढ़े होगे कि मेटालिक सरफेस में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एटम्स क्लोजली पैक्ड होता है ना, मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके एक एटम क्या होता है वहां पे, एटम्स क्या एक दूसरे में पेनिट्रेट करते हैं नहीं करते हैं, ये एटम्स एक दूसरे में टच कर रहे होते हैं ना, जितने भी एटम्स होंगे ये सारे क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, इस तरह से पूरा क्लोजली पैक्ड होता है, बोलो। यस सर। तो मेटालिक एटम्स का अरेंजमेंट तो बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, मेटल के एटम्स क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, तो मेटल का एटम्स क्या कर रहे हैं, पूरा क्लोजली एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो क्लोजली कांटेक्ट में है, तो दोनों एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब दो एटम्स आपस में अगर टच कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेटालिक रेडियस कैसे डिफाइन होगा,
यहाँ पे क्या करोगे वही डेफिनेशन, दोनों तरीका सब में सेम है, इन दोनों का सेंटर को ज्वाइन करो, ये मान लो सेंटर सी वन है, ये सेंटर सी टू है, सेंटर को ज्वाइन करो और उसका हाफ कर देंगे, तो आर मेटालिक इस केस में क्या आएगा, सी वन सी टू के बीच का लेंथ डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, सिंपली सेंटर को ज्वाइन करके उसका हाफ कर देना है, ये मेटालिक रेडियस किस केस में एग्जिस्ट करेगा, इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है सर। सर कोवेलेंट रेडियस तो आप दो एटम का बताया, अगर तीन एटम रहा तो क्या बोल रहे हो सर, कोवेलेंट रेडियस सर दो एटम का बताया, अगर तीन एटम रहा तो, तीन एटम रहा मतलब दो एटम के लिए ही डिफाइन होता है, तीन एटम के लिए नहीं, दो एटम्स का ही कंसिडर करके किया जाता है, ठीक है, जो वैल्यू है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो दो एटम के बीच का ही लेके, वैल्यू जो निकाला गया वो दो एटम का ही है, ठीक है। Yes, तीन एटम, अब जरूरी तीन ही एटम रहता है मेटालिक शीट में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना सर, मेटालिक का नहीं बोल रहे थे सर, कोवेलेंट बोल रहे थे, कोवेलेंट रेडियस। अच्छा कोवेलेंट रेडियस में, कोवेलेंट रेडियस में भी बेसिकली वो क्या है ना, वो डिपेंड कर रहा है किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली जैसे मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जैसे वहां पे NH3 है जैसे, तो NH3 में क्या है वो तीन बॉन्ड बने हुए हैं ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तीन बॉन्डिंग है, तीन बॉन्ड्स है ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो वो तीनों का एवरेज निकाला गया है वहां पे, ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वो एवरेज करके वैल्यू तीनों का जो आया है उसका एवरेज ले लिया गया, तो वहां से वो आया है, अगर दो से ज्यादा एटम्स वहां पे बॉन्डिंग कर रहे हैं ना तो वहां पे एवरेज वैल्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एवरेज करके उसका हाफ किया जाता है, समझ रहे हो बात, लिख लिया इसको सेकंड वाला आर मेटालिक, हेलो यस सर। चलो तीसरा कौन सा है, तीसरा रेडियस कौन सा था बताओ, वैंडरवॉल रेडियस, वैंडरवॉल रेडियस, ठीक है, वैंडरवॉल रेडियस में ध्यान रखना, ये वैंडरवॉल फोर्स की वजह से ये वैंडरवॉल रेडियस डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना वैंडरवॉल फोर्स जो है ना ये याद रखना है अभी कि वैंडरवॉल फोर्स जनरली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैंडरवॉल फोर्स जनरली ये याद रखना जनरली एग्जिस्ट बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और बिटवीन एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये वैंडरवॉल फोर्स जो है ना बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एक वीक फोर्स होता है, तो वीक फोर्स है तो ये जनरली एग्जिस्ट कहाँ करेगा, तो जनरली दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है या फिर नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में, क्योंकि हमको पता है कि दो नोबल गैसेस के एटम्स अगर हैं तो नोबल गैसेस के एटम्स क्या होते हैं, उनको रिएक्ट करने की जरूरत है क्या, वो तो खुद में स्टेबल होता है, ऑलरेडी पढ़ रखे होगे, नोबल गैसेस का वैलेंसी क्या होता है, जीरो होता है ना, उनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत है नोबल गैसेस को, ये बताओ, नोबल गैसेस को इनर्ट गैस भी बोला जाता है क्योंकि उनका रिएक्टिविटी क्या है, बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए उनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है, तो कोई भी दो नोबल गैस अगर रखे मान लो दो नोबल गैस प्रेजेंट है तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो होगा ना वो कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, बहुत कम इंटरेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो होगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन बहुत ही वीक होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वैंडरवॉल इंटरेक्शन, तो वैंडरवॉल इंटरेक्शन बेसिकली या तो दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं या फिर दो नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में, जैसे मान लो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे है, जैसे मान लो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये पहला है, ये एक मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल वन, ठीक है,
ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, दिख रहा है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से बना है ये एक मॉलिक्यूल। मान लो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, H2 का दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, H2 का ये मॉलिक्यूल वन और दूसरा मॉलिक्यूल ये H2 का, ठीक है, H2 का ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये H2 का मॉलिक्यूल टू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, ये बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और वीक इंटरेक्शन होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा या नहीं ये बताओ, मतलब इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा डिस्टेंस उतना कम होते जाएगा, बोलो। यस, समझ रहे हो बात, जितना ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो लेंथ क्या होते जाएगा उन दोनों के बीच का, कम होते जाएगा ना। तो हमको पता है कि ये वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन बहुत ही वीक होता है, तो ऑब्वियसली वो दोनों के बीच का मॉलिक्यूल, दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उन दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस बहुत दूर होगा, वो दूर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो वैन डेर वाल्स रेडियस डिफाइन होता है, तो जो दो एटम्स जो है ना ये आपस में कॉन्टेक्ट में है, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, ये सी वन और ये सी टू, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया गया और इसका हाफ ले लिए, तो सब में वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आर वैन डेर वाल्स क्या हो गया, आर वैन डेर वाल्स इस केस में क्या आ गया, सी वन सी टू, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया और ये हाफ कर दिए, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर केस में हम लोग किए, दो मॉलिक्यूल्स के केस में, इसी तरह नोबल गैस के एटम्स के केस में भी हम लोग कर सकते हैं। ये मान लो एक नियॉन एटम है, नियॉन एक नोबल गैस है, ठीक है, और ये नियॉन का दूसरा एटम है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, हमको पता है कि इन दोनों के बीच का बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा इस केस में। ये मान लो इसका सेंटर सी वन, ये सेंटर सी टू, तो यहाँ भी आर वैन डेर वाल्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो और बाय टू कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। तो ये हो गया वैन डेर वाल्स रेडियस। तो ये ध्यान रखना, वैन डेर वाल्स फोर्सेस जनरली कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, या तो दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस के केस में, ठीक है। तो ये तीन टाइप के एटॉमिक रेडियस मिलते हैं, एक कोवेलेंट रेडियस हो गया, दूसरा मेटालिक रेडियस हो गया और तीसरा वैन डेर वाल्स रेडियस। तीनों को डिफाइन करने का तरीका सेम है, मतलब जो दो एटम्स आपस में कॉन्टेक्ट में है उनके सेंटर को ज्वाइन करो और उसका हाफ कर दो, तो ऐसे ही निकाला गया है। ये एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड है वो उसके बॉन्ड लेंथ को, उन दोनों के बीच का लेंथ कैलकुलेट कर लिया गया है एक्सपेरिमेंटली और उसका हाफ कर दिया गया है। अब बताओ इन तीनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तीनों तीन टाइप के जो रेडियस ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, पहला है आर कोवेलेंट, दूसरा है आर मेटालिक और तीसरा है आर वैन डेर वाल्स। इन तीनों को अगर कंपेयर करोगे तो क्या रिलेशन आएगा बताओ, तो कौन सा रेडियस सबसे बड़ा है? सर आर वैन डेर वाल्स, आर वैन डेर वाल्स सबसे बड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? सर आर मेटालिक, आर मेटालिक, और सबसे छोटा रेडियस क्या होगा? आर कोवेलेंट होगा। यस सर, ये दिख भी रहा होगा यहाँ पे, देखो कोवेलेंट रेडियस एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, जब ओवरलैपिंग हो रहा है दो एटम्स का, और यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है मेटालिक में, दोनों जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तीनों रेडियस में, और ये तो बिल्कुल बहुत दूर ही है, तो तीनों रेडियस को अगर आपस में कंपेरिजन करेंगे हम लोग, तो आर कोवेलेंट सबसे छोटा, फिर उसके बाद आर मेटालिक और सबसे बड़ा क्या हो गया, आर वैन डेर वाल्स। ये कंपेरिजन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस में हम लोग बेसिकली तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं उसको, और तीन टाइप में अगर तुमसे कंपैरिजन पूछा गया इन तीनों में क्या कंपैरिजन है, वैन डेर वाल्स सबसे ज्यादा, फिर मेटालिक और सबसे छोटा आर कोवेलेंट। ठीक है, लिख चुके हो यहां तक? हेलो, यस सर,
चलो तो ये हो गया डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस का। अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एटॉमिक रेडियस पे इफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करने वाला फैक्टर जो है, इसमें सबसे पहला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम लोग सुने हो क्या? न्यूक्लियर चार्ज तुम लोग सुने हो गए? इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज सुने हो? यस। हेलो, क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज बताओ? न्यूक्लियस में मेनली जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है बता सकते हो? प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो बेसिकली एक तरह से उसको हम लोग फोर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटॉन है, और आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहता है। हमको पता है कि एटॉमिक साइज जो डिफाइन किया गया है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस है। तो एक्चुअली में वहां पे क्या आ रहा है ना, अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ऑब्वियसली कहीं पे भी अगर अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हो, चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं हम लोग। तब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहा होगा ऑब्वियसली किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, अपोजिट चार्जेस है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस और नो बताओ? यस सर। तो एक तो वो फोर्स लग रहा होगा, दूसरा देखो तो अगर हम लोग सिर्फ जैसे मान लो कोई भी एटम अगर हम लोग ड्रॉ करें, जैसे ये एटम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम एटम का अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, चलो तो सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है ना, 281 होता है, मतलब पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाला जो सेल है, फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। फिर सेकंड वाला सेल है तो सेकंड वाले सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। और इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट तो ये देखो आउटर मोस्ट सेल में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक साइज डिटरमाइन होगा वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का ये है। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, देखो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, अंदर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो जो कि न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना उसको न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो। तो एक तो ये फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ इसी फोर्स को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, न्यूक्लियस का ही फोर्स अगर कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन एक और फोर्स तो यहाँ पे लग रहा होगा, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ना लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो एक्ट कर रहा होगा। यस और नो बताओ, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा होगा या नहीं यहाँ पे?
रिपल्सन फोर्स लग रहा है या नहीं यहाँ पे, बताओ तो कोई भी एटम में रिपल्सन फोर्स लग रहा है या नहीं? यस सर, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या है, तीन तीन शेल में प्रेजेंट है और सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंसर्न है किसके पास, किसके लिए, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कंसर्न है। तो यहाँ पे अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, बाहर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही तो करेगा ना। बताओ ये फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या लग रहा होगा, बाहर की तरफ लग रहा होगा, समझ रहे हो बात? यस सर। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है और दूसरा क्या एक्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब दोनों का हम लोग कंबाइंड इफेक्ट कंसिडर करते हैं ना, ये एफ रिपल्सन और एफ अट्रैक्शन, ये दोनों जब हम लोग कंबाइंडली कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों को कंसिडर करना होगा हमको, क्योंकि दोनों फोर्स, सिर्फ हम लोग अट्रैक्शन नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा होगा, ठीक है। तो उन दोनों का जब कंबाइंड इफेक्ट कंसिडर किया जाता है तो उसकी वजह से जो एक नेट चार्ज जो डेवलप होता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिर्फ अगर हम लोग अट्रैक्शन कंसिडर करेंगे न्यूक्लियस का तो उसकी वजह से उसको सिर्फ हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कंसिडर कर लोगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंसिडर करने के बाद जो नेट ओवरऑल जो चार्ज बचता है, क्योंकि हमको पता है कि दोनों फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो जब दोनों का नेट निकालेंगे तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करना होगा हमको वैल्यू। तो जब सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आता है हमारे पास उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आया? जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखोगे जेड इफेक्टिव से डिनोट किया जाता है। और ये जेड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेड कैसे है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब ये जेड क्या है, न्यूट्रल एटम के लिए तो जीरो होगा ना, क्या चीज सर, वो न्यूट्रल एटम के लिए तो हमेशा जीरो ही होगा ना, क्या न्यूट्रल एटम के लिए जीरो होगा? क्या चीज बोल रहे हो, इफेक्टिव चार्ज? यस सर, न्यूट्रल एटम के लिए जीरो मतलब क्या? समझ नहीं आ रहा है, बोलो। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जीरो क्यों होगा? हम लोग यहाँ पे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए कैलकुलेशन किया जा रहा है, हम लोग ओवरऑल एटम के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बात समझ रहे हो? तुम बोल रहे हो ऐसे होल ओवरऑल एटम के लिए, हम ओवरऑल एटम के लिए थोड़ी ना यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओवरऑल एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो तो हमको पता है। हम यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे कंसिडर कर रहे हैं, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ना, समझ रहे हो बात? हेलो हेलो, यस सर, कौन पूछ रहा था अभी, कौन पूछा था क्वेश्चन, क्लियर हुआ तुम्हारा, कौन पूछा था बताओ तो यार। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये
इफेक्टिव, हम लोग जो इफेक्टिव चार्ज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ध्यान देना हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो डिटरमाइन होगा वो आउटर मोस्ट सेल से ही डिटरमाइन होने वाला है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के हम लोग ओवरऑल पूरे एटम का एज ए होल, वो तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके पास उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लग रहा होगा, तो वो कैसे आएगा, तो न्यूक्लियस उस पर कितना चार्ज लगा रहा होगा, न्यूक्लियस की वजह से कितना चार्ज लग रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से कितना चार्ज लग रहा होगा, उन दोनों का हमको डिफरेंस करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज जो या दोनों के फोर्सेस जो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रहा है, एक रिपल्सन फोर्स है जो कि अवे फ्रॉम उसके बाहर की डायरेक्शन में वो लग रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग जेड इफेक्टिव जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो जेड इफेक्टिव ये कैसे आ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जेड माइनस सिग्मा आता है, ठीक है। ये जेड क्या हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, ठीक है। सिर्फ अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही इक्वल आ जाता है, यहाँ पे लेकिन हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं तो इस जेड में क्या करना होगा, हमको ये सिग्मा जो है ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पे सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है ये ध्यान देना, सिग्मा जो है ये एक्चुअली जो ये फॉर्मूला दिया है ना जेड इफेक्टिव, ये एक साइंटिस्ट दिया है जिसको बोला जाता है स्लेट, जिसका नाम है स्लेटर्स, तो स्लेटर्स रूल इसको बोला जाता है, स्लेटर्स रूल, तभी वो बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सिग्मा जो है ना ये स्लेटर्स कांस्टेंट है, उसी के नाम पे ये कांस्टेंट है, स्लेटर्स कांस्टेंट। और ये सिग्मा का वैल्यू जो अराइज होता है ये किसकी वजह से अराइज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, अंदर वाले शेल का जो रिपल्सन है ना बाहर वाले, सॉरी अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, उसी की वजह से ये सिग्मा अराइज हुआ है। तो सिग्मा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे अभी कैसे कैलकुलेट करना है हमको, जेड इफेक्टिव अगर किसी भी एटम का हमको निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बता रहे हैं। ये बात समझ में आया तुम लोगों को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, ये बताओ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना उस पर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसको एट द सेम टाइम रिपेल भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोनों अपोजिंग नेचर के फोर्सेस लग रहे हैं वहां पे, इसलिए हम लोग कभी भी बात करते हैं तो जेड इफेक्टिव के टर्म में बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि कैसे आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। समझ रहे हो बात, ये क्लियर हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट, यस और नो? अभिषेक, अभिषेक यस सर, क्या समझ आ रहा है बात? हाँ यस सर। आयुष, आयुष यस आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं ये एक्चुअली स्लेटर्स का एक्चुअली एक रूल है जिसके वजह से हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बस रूल तुम लोग लिख लो, ठीक है, मतलब कहीं पे तुमसे कैलकुलेट करने पूछा नहीं जाएगा बट जानना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं कुछ कुछ रूल्स हैं, स्लेटर्स रूल, स्लेटर्स रूल, दो तीन पॉइंट है स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग जेड इफेक्टिव। तो इसमें देखो ये पहला जो रूल है, फर्स्ट फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये ध्यान देना, फॉर ऑल द, जल्दी फटाफट लिखते जाओ साथ में ही लिख लेना, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू एन एस और एन पी ऑर्बिटल्स, सिग्मा का वैल्यू जो लेना है हमको वो 0.35 ईच, बट फॉर 1s इलेक्ट्रॉन सिग्मा का वैल्यू लेना है 0.3, ठीक है, ये ध्यान देना 0.3
ईच। ठीक है, अभी लिखते जाओ फिर बताएंगे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन माइनस वन शेल, सिग्मा का वैल्यू लेना है 0.85 एच। ठीक है, और तीसरा है फ्रॉम स्क्रीन विजिबल है ना सबको, फ्रॉम स्क्रीन, चलो फ्रॉम एन माइनस टू ऑनवर्ड्स सिग्मा का वैल्यू लेना है, सिग्मा इक्वल टू वन ईच। ठीक है, चलो ये तीन रूल हैं जिसकी जिसके बेसिस पे हम लोग जेड इफेक्टिव किसी भी एटम का कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। लिख लियो तीनों रूल, फिर एक एग्जाम्पल बताते हैं। लिख चुके हो? यस और नो? यस। चलो एक एग्जांपल हम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमको यहाँ पे देखो सोडियम का है, Na का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं कितना जेड इफेक्टिव लग रहा होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है सोडियम का, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, अब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमको z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो स्लेटर्स रूल लगाओ, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। इसका z का वैल्यू सोडियम का कितना लोगे बताओ? z का वैल्यू तो 11 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं? 11 है ना, तो z तो हो गया 11। अब इसके लिए सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए यही स्लेटर्स का रूल हम लोग यूज करेंगे। तो देखो क्या बोला गया, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू एन एस और एन पी, ये एन एस और एन पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हो? एन एस या एन पी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम। हाँ, एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सबसे आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटर मोस्ट के एस या पी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए सिग्मा तुमको लेना है 0.35 एच। लेकिन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1s के इलेक्ट्रॉन अगर हैं, 1s ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमको सिग्मा लेना है 0.3 एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो 3s में प्रेजेंट है। अब 3s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ये जो सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप को रिपेल थोड़ी ना करेगा, समझ रहे हो? मतलब जिसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो खुद अपने आप को रिपेल करेगा क्या, ये बताओ? जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं वो खुद थोड़ी ना अपने आप को रिपेल करेगा, तो उसके ऊपर तो कोई खुद की वजह से कोई सिग्मा थोड़ी ना एक्ट कर रहा होगा, उसके लिए तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। अब इसके अलावा अगर मान लो एस में दो इलेक्ट्रॉन रहता, तब फिर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव निकालते और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता, उसको रिपेल करता, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का उसके ऊपर सिग्मा लगता। लेकिन यहाँ पे चूंकि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और जिसके लिए हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो वो खुद अपने आप को रिपेल तो करेगा नहीं, तो इसलिए आउटर मोस्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए तो जेड इफेक्टिव हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो खुद अपने आप को रिपेल तो नहीं करेगा ना, तो उसके लिए तो कोई सिग्मा लगेगा नहीं। तो पहला वाला तो रूल इसके लिए वैलिड नहीं है सोडियम के लिए। उसके बाद सेकंड देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन माइनस वन शेल, एन माइनस वन शेल मतलब सेकंड सेल, तो सेकंड सेल के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके लिए सिग्मा कितना लेना है? 0.85 ईच। तो सेकंड वाला सेल इसमें कौन सा है बताओ? सेकंड सेल है, सेकंड लास्ट सेल है ना, एन इक्वल टू टू है, आउटर मोस्ट इसका थर्ड था और सेकंड वाला हो गया सेकंड सेल। तो सेकंड वाले में देखो एन माइनस टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेकंड वाले सेल में? 8। तो उसके लिए सिग्मा कितना लेना है बताओ? 8 into 0.85।
एट इंटू पॉइंट एट फाइव, तो हर एक के लिए पॉइंट एट फाइव ईच है, तो ये एट इंटू पॉइंट फाइव हो गया प्लस। अब देखो अब क्या बोला गया, फ्रॉम एन माइनस टू ऑनवर्ड्स, मतलब एन माइनस टू, एन इसका है थ्री, तो इसमें टू कर दो, एन माइनस टू करोगे तो ये वन आ गया, तो एन माइनस टू में सिर्फ एक ही सेल इसका बच गया, पहला वाला सेल, तो एन माइनस टू ऑनवर्ड्स, जितने भी एन माइनस टू ऑनवर्ड्स होंगे उन सभी के लिए सिग्मा का वैल्यू वन लेना है। तो एन माइनस टू में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, दो इलेक्ट्रॉन है, और उस दो इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कितना कंसिडर करना है इनको, वन, तो टू इंटू वन हो गया, यही है बस। इसके अलावा और कोई होगा क्या, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बताओ, नो सर। तो इसको ऐड करो फटाफट, कितना आ रहा है, एट इंटू पॉइंट एट फाइव और प्लस टू, कितना आ रहा है बताओ, तो ये शायद कितना आ जाएगा, एट पॉइंट एट आ जाएगा क्या ऐड करने पे, चलो तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे 8.8 आ गया। तो अब जेड इफेक्टिव आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड का वैल्यू 11 है और इसमें 8.8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जेड इफेक्टिव कितना आ गया देख रहे हो, 2.2 हो गया ना। तो सोडियम के केस में आउटर मोस्ट सेल पे जो जेड इफेक्टिव लग रहा है वो कितना है, 2.2 है। तो देख रहे हो ना कि अगर सिर्फ हम लोग प्रोटॉन का चार्ज कंसिडर करते तो उसकी वजह से 11 लगना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देख रहे हो उसको कितना कम कर दिया, कम करके ये 2.2 पे ले आया, देख रहे हो तो कितना ज्यादा इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का, समझ रहे हो बात। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हम लोग रिपेल, सॉरी उसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको कंसिडर किया जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी वहां पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, देख रहे हो ये कितना कम कर दिया उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू, ये 2.2 आ गया। इसके बाद तुम लोग का कोई क्लास है क्या अभी, हेलो, यस सर, कितने बजे सर, 7 बजे से कौन सा क्लास होता है, डाउट क्लास है क्या, यस सर, अच्छा चलो एक एग्जांपल तुम लोग खुद से बताओ मेरे को, ठीक है, एक कैलकुलेशन कर लो तुम लोग फटाफट, ये समझ आया सबको, ये बताना है फिर से, सोडियम का कैसे कैलकुलेट किया बताओ, समझ आया ये वाला चीज, बोलो जल्दी से, एक एग्जांपल तुम लोग को करने देंगे सर, फर्स्ट वाला रूल सर क्यों नहीं वैलिड हुआ, वो एक बार फिर से समझा दीजिए ना, फर्स्ट वाले रूल में क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जेड इफेक्टिव, तो वो इलेक्ट्रॉन खुद थोड़ी ना रिपेल करेगा अपने आप को, रिपेल करेगा खुद बताओ, नहीं करेगा सर, सर अगर वहां दो होता आउटर मोस्ट में तो फर्स्ट वाला रूल लगता वहां पर, हां लगता, दो होता तो किसी एक के लिए ही हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो किसी एक के लिए, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते तो उसका तो हमको कंसिडर नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहता, तो मान लो अगर एस में दो इलेक्ट्रॉन रहता तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल रहे होते, उसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन अगर रहता तो उसका हमको कंसिडर करना पड़ता उसके ऊपर रिपल्सन, समझ रहे हो बात, क्योंकि दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तो उसको रिपेल करेगा ना, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो खुद थोड़ी अपने आप को रिपेल करेगा, समझ रहे हो बात, यस सर, चलो तो ये बात समझ आ गया, तो तुम लोग चलो एक एक करके बताओ खुद से, जिंक का तुमको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके बताना है, जल्दी से बताओ, तो जैसे बताए बस सेम वही रूल फॉलो करना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर आगे करो, जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए
तुमको z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। सर एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए ना जहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है। रूल्स तुम लोग को उसी समय बोले था ना लिखने। चलो करो। हो गया। सर 4.35 4.35 करेक्ट है। चलो देखो किसका किसका आया 4.35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखो इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 ठीक है। चलो तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ये फोर्थ सेल है और फोर्थ सेल में देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। हम लोग इसके एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग z इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना। तो अब देखो इसका हमको सिग्मा निकालना है। हमको पता है इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसका पहले सिग्मा निकाल लेते हैं। तो सिग्मा निकालेंगे तो आउटर मोस्ट शेल जो है इसका फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक के लिए तो हम लोग कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो उसकी वजह से तो कोई रिपल्सन लगेगा नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से रिपल्सन लगेगा, तो उसकी वजह से कितना कंसिडर करना है हमको सिग्मा का वैल्यू। दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है 0.35, यस और नो? 0.35 ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 × 0.35 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसके अलावा आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वजह से 1 × 0.35। चलो प्लस, अब देखो n-1 मतलब सेकेंड लास्ट सेल में n-1 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाता है 0.85 ईच। तो n-1 इसके लिए क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 का s, हाँ 3 के s में 2, p में 6 और d में 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं n-1 में, इसके लिए 18 × 0.85 ईच। प्लस फ्रॉम n-2 onwards में सबके लिए सिग्मा क्या लेना है हमको 1 लेना है, तो ये n-1 वाला हो गया, ये n-1 है और ये सारा क्या हो गया n-2 onwards हो गया। तो n-2 onwards में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए देखो तो सर 10। अब इन सब के लिए कंट्रीब्यूशन कितना लेना है 1, बस यही है, इसके लिए ऐड कर दो सारा। ऐड करने पे क्या आ रहा है 25.65 ठीक है, ये सिग्मा हो गया। अब इस जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो 30 − 25.65 कितना आ गया देख रहा हूँ 4.35।
देख रहे हो ये कितना कम हो गया, समझ रहे हो ना बात? आ गया सबको प्रोसेस समझ में कैसे निकालना है जेड इफेक्टिव या नहीं? यस सर। ऐसे कहीं निकालने पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है निकालने, बस ये ध्यान रखो ये एक्चुअली मेंशन किया हुआ है तो बता दिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो ये पता रहना चाहिए, ब्रेसलेटर्स का रूल है, वो जो रूल दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबको समझ आया? संदीप, संदीप, राज, यस सर, समझ आ गया बात कैसे निकाल रहे हैं जेड इफेक्टिव? यस सर। चलो ठीक है फिर, तो क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी को भी तो पूछ लो, इसमें कहीं पे भी अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो पूछो, ऐसा नहीं है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो सकता है डाउट हो, ठीक है? तो बताओ अगर डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेहिचक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किसी को भी कैलकुलेट करने में अगर कोई दिक्कत आ रहा है जेड इफेक्टिव तो बताओ, पूछना है किसी को? सर हाँ बोलो। सर लास्ट वाले में सर एक चलिए। हाँ बोलो। सर लास्ट वाले में 4s में दो इलेक्ट्रॉन एक्टर से 2 × 0.6। अरे तो एक के लिए तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो खुद अपने आप को थोड़ी रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो जेड इफेक्टिव हम लोग निकाल ही रहे हैं ना। समझ रहे हो बात? वही बात तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो खुद अपने आप को रिपेल करेगा क्या, ये बताओ। कौन पूछ रहा था? हिमांशु। यस सर। बताओ जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो खुद रिपेल करेगा अपने आप को? सर उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सर रिपेल करेगा ना? तो दो इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक के लिए तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं हम लोग, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ना उसको रिपेल कर रहा होगा, तो दूसरे वाले का तो हम लोग रिपेल, दूसरे वाले का तो हम लोग कंसिडर किए ही। अरे एस में दो इलेक्ट्रॉन है, 1+1 कर लो, इसके लिए हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये दूसरा वाला ही तो इसको रिपेल कर रहा होगा ना, ये खुद अपने आप को जिसके लिए निकाल रहे हैं ये खुद अपने आप को रिपेल करेगा क्या, ये बताओ। नो सर। तो दूसरे वाले का इफेक्ट तो हम लोग कंसिडर कर ही रहे हैं, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको, जो एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तो इसको रिपेल कर ही रहा है, तो उसका तो हम लोग 1 × 0.35 कंसिडर किए ही उसके ऊपर सिग्मा। ठीक है? ये सर समझ। अब समझ आया? सर जेड इफेक्टिव हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। हाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पे निकाल पाएंगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ी एक बार में, तो एक एक करके हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो आउटर मोस्ट क्या है? आउटर मोस्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो वो तो सेम रहेगा, ये थोड़ी इन दोनों इलेक्ट्रॉन में तुम डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर सकते हो, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन में डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाले इसके लिए? दोनों के लिए तो जो भी आएगा सेम ही वैल्यू आएगा ना, यस और नो? यस सर। एक बार में तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे कंसिडर करते हैं, ठीक है? आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके लिए तो वैल्यू सेम ही रहेगा, किसी एक के लिए निकाल लो, समझ रहे हो बात? यस सर। चलो और कुछ पूछना है किसी को? बोलो और कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक है फिर, चलो
तो एंड कर रहे हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे वेरिएशन हो रहा है और कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आ रहा है एटॉमिक रेडियस में, ठीक है? तो ये अगले क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो एंड कर रहे हैं, ठीक है, देख लेना फिर आगे।